हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो भैया आज है होली का जो है दहन बोल सकते हैं। हाँ, और होली तो जो शाम को चलेगी भाई। मम्मी कलर लगा के बालों में गार्डनिंग कर रही हैं। ये देखिए घर पे उगाए हैं हमने लहसुन प्याज और काफ़ी कुछ है इधर आइटम। मम्मी का किचन गार्डन, रुको आपको पीछे से दिखाती हूँ। किचन गार्डन, ये है टमाटर, ये है टमाटर, अभी आएंगे थोड़ी देर में। देखिए फ्लावर्स भी आ गए हैं टमाटर में, बहुत जल्दी इसमें टमाटर आएंगे, लेकिन हम नहीं रहेंगे उसको देखने के लिए। ये मम्मी ने ताजे ताजे लहसुन के पत्ते ले लिए हैं। प्याज है, ये बेम्बू ट्री है, ये हल्दी है जो हमने उगाई थी, हल्दी खाइए। और यहाँ नीचे तो अपना नॉर्मल है ही कड़ी पत्ते। इतनी सी जगह में हमने काफी कुछ बना लिया है। अब हम जा रहे हैं गांव में खेती करने। मम्मी ने एक्सपेरिमेंट में और क्या किया है, किचन में बन रहे हैं ढोकले, लेकिन ऐसे वैसे नहीं। रात को चावल बचे थे और सूजी के ढोकले हैं जो ऑलमोस्ट कुक्ड है। ये हमारा आज का नाश्ता है। यहाँ मिस आरती क्या बना रही है आज तू किचन में? छोले। ओह माय गॉड, कल होली है, हम आज ही सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वेरी गुड। और ये हमारी चाय बकरी है। चलिए फटाफट चाय पीते हैं, फिर हम देखते हैं क्या क्या खाएंगे आज। ये देखिए चारों चूल्हे एकदम, चारों खाने चित्त है, हमारे चारों चूल्हे चित्त है इस समय। ये मैंने इंस्टाग्राम पे एक कुछ तो नेल आर्ट का एक ट्रिक देखा था, तो वो मैंने आज ट्राई किया, जो कि पता नहीं क्या ही टर्न आउट हुआ है, आप खुद देख लीजिए। तो भाई वीडियो में तो जैसा बताया वैसे तो हो नहीं रहा है, ये कुछ अजीबोगरीब हुआ है, लेकिन देखते हैं आगे हम क्या करते हैं। भाई इस पे कोशिश करते हैं कुछ डिज़ाइन बनाने की। और अब इसमें हम अपने नेल्स डुबा के देखते हैं। मेरे ख्याल से मैंने कटोरी बहुत बड़ी ले ली है, ठीक है ट्राई करते हैं। सेफ्टी पिन पे तो कुछ तो डिज़ाइन बन गई है, मेरे नेल्स भी बन जाएगी शायद से। तो सो लेट्स ट्राई, 1, 2 and 3। ए भाई ट्वी, खतरनाक लग रहे हैं नाखून, लेकिन अब इसको निकालू कैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब। ये इंस्टाग्राम के चक्कर में ना लग रहा है हाथ गंदौड़े हो जाने वाले हैं मेरे। लेट्स सी साइड का निकालने के बाद ये किस तरह से बनता है। देखिए भाई वायरल के चक्कर में क्या कर रही हूँ, इसीलिए इंस्टाग्राम के चक्कर में ना फंसे, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। वही वाला हाल हो गया है। ये पता नहीं क्या नेल आर्ट बना है, लेकिन चलिए जो भी बना है अभी तो फिलहाल होली तक मैं रहने ही दूंगी। इसके लिए मुझे इतना तामझाम करना पड़ा, इतनी गंदगी हो गई है क्लीन करने में। चलिए अब एक रस्म जो हमारे इसमें होती है हम वो करते लेते हैं पहले। होली का दहन पे देखिए हम लोग ये इस तरह से, युवान छी नहीं है ये, मस्त उपटन है, स्किन का सब डिजीज इसी में निकल जाएगा। इसी तरह से अब सबका लगाएंगे और फिर इसको हम होलिका में डाल देंगे शाम को, है ना। युवान की स्किन एकदम क्लियर हो जाएगी। नहीं लगाना ये। क्यों नहीं लगाना है, इट इज नाइस। इसको कहते हैं बुकवा। तरह से ये सबके एटलीस्ट पैर से तो हम लोग निकाल ही लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग इसको होलिका जो माता जलेंगी जब उसमें डाल देंगे। बस हमारे यहाँ पे यही कि एक ट्रेडिशन होता है जो मैं अभी बता रही थी कि एक रस्म। मैंने ये वीडियो मैंने लास्ट ईयर भी डाली थी, तो उसमें मैंने बाकायदा क्या हम करते हैं ना पूरा प्रोसेस दिखाया था। आज वो मिस हो गया मुझसे ये नेल आर्ट के चक्कर में। हम लोग जैसे वो राई को भूजते हैं और फिर उसको पीसते हैं, उसका बुकवा बनता है, और बस वही अभी हम लगा रहे हैं सबको, और उसके बाद हम नहा लेंगे और वो चीज़ हम रखी जाएगी। क्या ही तो बन गया है, लेकिन ठीक है, टाइम पास हो गया मेरा। मुझे बहुत दिन से इस खुजली हो रही थी, मैंने कहा होली सही टाइम है, वैसे भी नाखून कलरफुल हो ही जाते हैं, आज ये कर लेते। लेकिन होली वाली तो लगी रही है, थोड़े बड़े नाखून होते ना तो अच्छा लगता। चलिए हम लोग पहले वो कर लेते हैं। हम लोग भी अब नहा वहा लेते हैं, सब लग चुका है बुकवा। उसके बाद में ना जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं, ये सारे मेरे कपड़े मैंने कुछ कुछ निकाले हैं। ये मैंने ना अभी जैसे आप बोल सकते हैं कॉटन के, जैसे नाइट सूट्स बोलो, कॉट सेट्स बोलो, या घर में पहनने के कपड़े हैं,
वो सब मैंने मंगवा लिए थे, कुछ फ्लिपकार्ट से हैं, कुछ अमेजोन से है। उसका हॉल भी मैं डालूंगी मेरे ख्याल से, बस इसी के बाद डाल दूंगी मैं। तो मैंने वो निकाल दिया बिकॉज ये मुझे ले जाना है गांव, तो गांव ले जाना है तो फिर पैकिंग भी करनी है, तो इसलिए सूटकेस भी मैंने निकाल दिया है। ये देखिए भैया, सूटकेस वूटकेस सब निकल चुका है, एयर बैग भी निकल चुका है। ईवान का ऑलरेडी हमने खरीद ही लिया है, तो जो हमको यहाँ फिलहाल पहनना नहीं हम उसमें डालते जा रहे हैं, बिकॉज जगह भी बहुत ले रहा है और फिर इकट्ठे बहुत सामान हो जाता है। तो मेरा बाल भी कसम बिखरा बिखरा हो गया, बिकॉज आज तो शाम को भी बिजी रहेंगे, कल हम खेलेंगे, फिर थक जाएंगे, फिर क्या ही होगा, फिर एक ही दिन मेरे पास बचता है। हाँ जी, हम मोस्टली हम बुधवार को ही हम जा रहे हैं, पता ही दिया है तो पता ही दिया है, तो हम 27th को जाने वाले हैं, तो इसलिए फटाफट सब पैकिंग भी कर लेते थोड़ी बहुत। ओके विल सी। तो भाई मैं और युवान उतर चुके हैं थोड़ा जल्दी, ताकि युवान थोड़ी देर खेल ले, और फिर मम्मी और पापा लेके आ रहे हैं पूजा का सब थाली वो सब। ओके ओके, और फिर होलिका दहन हम लोग करेंगे पूजा। हाँ बेटा मैं अभी बात कर रही ना, रुक जा, धीरे धीरे लोग तो मुझे दिख रहे हैं, पता नहीं अभी मैं फ़ोन भी कर दूंगी अगर प्रोग्राम शुरू होने जा रहा हो तो। तब तक मैं आपको कल की तैयारी की एक झलक भी दिखा देती, बड़ा सुंदर सा यहाँ से ही दिख रहा है, बहुत कुछ किया हुआ है। चलिए पहले वो सब शूट करके आपको दिखा देते हैं, आ जाइए। युवान को बहुत मज़ा आ रही है, ये यहाँ से एंट्री है, यहाँ पे सब फूड स्टॉल्स और सब कुछ लगने वाले हैं, रंग रसिया प्रोग्राम है हमारे सोसाइटी का। देखिए डीजे का भी लग गया, अरे भैया यहाँ पे आरती भी हो रही है, शुरू होने जा रहा है क्या होलिका दहन। तो देखिए होलिका जल भी चुकी है, हाय हाय। हाँ हम लोग थोड़े लेट हो गए, मम्मी को बोलती हूँ तुरंत आ जाए फिर हम भी परिक्रमा कर ले। ये डीजे का है प्रोग्राम, थोड़ा जल्दी हो गया इधर, और मैंने मम्मी को भी फ़ोन किया और युवान यहाँ से देख रहे हैं। आप देखिए पीछे होलिका जल रही है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। आई होप मम्मी उतर ही रही है बस। ये बच्चे यहाँ पानी से ही खेल रहे हैं और मैं युवान को परेशान हूँ, आ गई मम्मी भी दिख गई है मुझे, और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर डेकोरेशन हो रही है। कल सुबह अगर मुझे जल्दी आने का मौका मिला तो जल्दी आके पहले सिर्फ डेकोरेशन कवर करूँगी आपके लिए। और ये देखिए चंद्रदेव पीछे, हाँ बेटा मैंने देखा मून, कितनी सुंदर लग रहा है ना। देखिए आप कोई कोई लोग बोल रहे हैं आज पूर्णिमा है, कोई कर रहे हैं कल पूर्णिमा है, तो भाई सबकी अपनी अपनी श्रद्धा। हम देखो दादू आ गए क्या, हाँ आई कैन सी दादू दादी, चलिए हम भी पूजा कर लेते हैं। मम्मी पापा वहाँ दिख गए मुझे पीछे। ये देखिए भाई युवान सिंह की होली शुरू हो गई है, हैप्पी होली दादी। और दादू कहाँ गए, पानी से नहीं कम से कम रंगों से खेल सकते हैं, और बहुत बच्चे फूल से भी खेल रहे हैं। हमारी भी पूजा हो गई, जय होलिका माता। के फ्रेंड भी आ गए, गले मिलो गले मिलके भाई, हैप्पी होली हैप्पी होली। उसको था मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं आया अभी तक, हाँ अभी साइशा भी आएगी। होली और दिवाली साथ में बना रहे, जमीन पे रंगोली बना के हैप्पी होली कर रहे हैं। मेरा बच्चा जिसमें खेल बच जैसे खेल, आ इसमें आ, लो दादू से भी हैप्पी होली कर रहे हैं हाथ पे बेटा। ये अपना अलग ही मजे कर रहे हैं, बढ़िया। होली बिना पानी के कैसे खेलेंगे, तो हमने इनको बोला तुम जमीन पे मारो, किसी पे मत मारो, किसी के ऊपर नहीं। हाँ बेटा हैप्पी होली, चाचू को भी लगा दो युवान, अरे हैंड्स, ये सबको हाथ पे ही लगा रहा है। अच्छा चाचू को भी दे दो। होलिका दहन तो हो गई, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ हम सब बैठ के गप्पे मार के रील बनाए जा रहे हैं, और इसने मैंने इस बार धोखा दे दिया, जो रील में ऑलरेडी इंस्टा पे पोस्ट कर चुकी थी, तो मुझे बनानी थी रश्मि के साथ, लेकिन मैंने बना ली अपने बच्चों के साथ। तो अब ये लोग फिर से उसी रील को बना रहे हैं और हम लोग और भी कुछ बनाएंगे, है ना। क्या हो गया स्वरा, स्वरा मुझे देख के क्यों ऐसे हंस रही है, आज हम लोग एकदम पिंकी द पू बन के बैठे हैं।
सो बस भाई आप लोग इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि कल के व्लॉग्स कितने मजेदार होंगे, क्योंकि कल है होली, हम होली के पहले ऐसे रंग चुके हैं, तो कल तो पता नहीं कितनी धमाल होने वाली है। सो चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करिएगा, और मिलते हैं कल। कल तो नहीं, व्लॉग तो एक दिन के बाद ही आएंगे, बट स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, और आज के लिए टाटा।